हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज के इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बातें करने वाले हैं। दोस्तों, हम अपनी छोटी सी जिंदगी में अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में इस कदर व्यस्त हो गए हैं कि आप में से हजारों लाखों लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि हम इंसान आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में कहां तक पहुंच चुके हैं और आज इसी के बारे में मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले है ड्रोन्स। दोस्तों, ड्रोन्स आज की डेट में बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गए हैं और आपको ये हर जगह किसी न किसी के पास दिखाई जरूर देंगे। जैसे एरियल फोटो शूट के लिए लोग इसे यूज करते हैं या फिर मिलिट्री वाले इसे सर्विलेंस के लिए यूज करते हैं। और अब कुछ कंट्रीज ड्रोन से लोगों के पार्सल डिलीवरी सिस्टम भी स्टार्ट कर रही है और आने वाले 10-15 सालों में ड्रोन्स पूरे AI ऑपरेटेड हो जाएंगे। मतलब आपको सिर्फ ऑर्डर करना है, चीजें खुद उड़ती हुई आ जाएंगी। जरा सोचिए वो वक्त कैसा होगा जब आप कुछ ऑर्डर करोगे और वो कोई उड़ता हुआ रोबोट आपके लिए पार्सल लेकर आएगा। रियली होगा ना वो काफी अमेजिंग मोमेंट। अब अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो सबसे पहले सभी के दिमाग में ट्रेन ही आएंगे। दोस्तों, हम इंसानों की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है पृथ्वी पर कि बिना ट्रेन्स के ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेक्ट करना तो पॉसिबल ही नहीं है। ट्रेन्स आज हंड्रेड्स ऑफ ईयर से यूज हो रहे हैं और लोग अपने डेली वर्क करने के लिए इन्हीं ट्रेन्स में ट्रेवल करते हैं। और जैसे जैसे ट्रेन की यूजेस बढ़ रहे हैं तो रिसर्चर और साइंटिस्ट को ट्रेन की इफिशियंसी बढ़ाने के बारे में भी सोचना पड़ रहा है। और इसका एग्जांपल है जापान का मैग्नेट ट्रेन, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। बट क्या आपको वर्जिन हाइपरलूप के बारे में मालूम है? क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है, जो ट्रांसपोर्टेशन के मामले में सारे टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ने वाला है? इस टेक्नोलॉजी में पैसेंजर हाइपरलूप कैप्सूल में बैठेंगे और वो कैप्सूल एक वैक्यूम ट्यूब से होता हुआ अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करते हुए लोगों को डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। इंडिया में पहला हाइपरलूप मॉडल मुंबई से थाने के लिए बन रहा है, जो 3.5 आवर्स के डिस्टेंस को बस 25 मिनट में पूरा करेगा और ये प्रोजेक्ट 2026 तक पूरा हो जाएगा, ऐसा अंदाजा है। अब हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक अलग लेवल तो देगा ही, बट इसकी वजह से लोगों में डर भी काफी बना हुआ है, और वो है AI टेक्नोलॉजी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस AI टेक्नोलॉजी के लिए साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं और हर कंट्री इसे जल्द से जल्द डेवलप करने में लगी है। और इसके एग्जांपल आप अपने आसपास भी देख सकते हो। लाइक एंड्रॉइड मोबाइल यूजर के पास ओके गूगल है, तो एप्पल यूजर के पास सीरी है, या फिर अमेज़न की एलेक्सा तो आपने देखी ही होगी। और ये सभी के सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एग्जांपल है, जो हमारी बातों को सुनकर उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। दोस्तों, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 से 40 तक AI टेक्नोलॉजी काफी कॉमन सी चीज हो जाएगी और हम इंसान अपनी लाइफ को इजी करने के लिए हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही घिरे होंगे, जिसमें रोबोट्स इंसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे होंगे और रेस्टोरेंट, शॉप्स, कार, ट्रेन, हर जगह सारी चीजें ऑपरेट्स रोबोट ही कर रहे होंगे। और आप बिलीव करो या ना करो, बट हम इस टेक्नोलॉजी के काफी करीब है। अमेरिकन, कोरियन, चाइनीज कंपनी ने काफी हद तक इस मॉडल को बेहतर बना लिया है। लाइक ऐसे रोबोट बन चुके हैं जो किसी भी तरह की जमीन पर चल सकते हैं या दौड़ सकते हैं और चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक भी ले जा सकते हैं। अब चलिए उस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में बहुत से लोग सपने देखते हैं, और वो है स्पेस ट्रैवलिंग। दोस्तों, आप आज से 10-15 साल पहले के बारे में सोचो तो साइंटिस्ट मार्स और चांद पर बस रोबोट और सैटेलाइट्स ही भेजने के बारे में सोचते थे। बट अब बात बहुत ही ज्यादा अलग है। अब लोग सिर्फ रोबोट भेजना नहीं चाहते, अब वो दूसरे प्लैनेट पर ह्यूमन कॉलोनीज भी बनाना चाहते हैं और हम ह्यूमंस को वहां पर भेजना चाहते हैं। और स्पेसएक्स ने तो 2030 तक मार्स पर कॉलोनी बनाने का भी पूरा प्लान रेडी कर लिया है। और अगर स्पेसएक्स का प्लान सक्सेसफुल रहा तो स्पेस ट्रेवल भी एक कॉमन सी बात हो जाएगी। और 2040 से 50 आने तक हम इंसान अर्थ के साथ साथ मून और मार्स पर भी रह रहे होंगे। और हमारा अगला टॉपिक जो सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगेगा, उसके बारे में बात करते हैं, और वो है प्रोस्थेटिक्स। दोस्तों, आज की डेट में हम इंसान इस टेक्नोलॉजी में काफी पीछे हैं। अभी प्रोस्थेटिक बहुत ही लिमिटेड है और अपने ट्रायल फेज में है, लेकिन जरा सोचिए क्या होगा अगर हम इस टेक्नोलॉजी को पूरी अच्छी तरह डेवलप कर पाएंगे और इसे ह्यूमन ब्रेन और बॉडी के साथ पूरी तरह सिंक्रोनाइज कर पाएंगे। और अगर जब ऐसा हो जाएगा तो हमारे आसपास सुपर ह्यूमन साइबोर्ग्स ही नजर आएंगे, जो वो सारे काम कर पाएंगे जो हम अपने इस नेचुरल बॉडी से नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से ट्रायल चल रहे हैं जिसमें लोग प्रोस्थेटिक बॉडी को दूर बैठकर ही अपने दिमाग से कंट्रोल कर रहे हैं। और जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है, विदिन 10-20 ईयर्स में हम इस टेक्नोलॉजी में भी सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फीडबैक कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।